एक ही बार सर, आज आप ओखला में आए हैं और कौसर इमाम लड्डन साहब के कैंपेनिंग के लिए, और क्या मैसेज है, क्या आपको यहाँ पर देना है पब्लिक को? देखिए, ये ऐसा बेहतरीन मौका है कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया है मुसलमानों का और दलितों इलाकों का, उससे निजात पाने का बेहतरीन मौका है। हमारा एक जुझारू कैंडिडेट कौसर इमाम सिद्दीकी और उनकी वाइफ मैदान में है, अब इनको आप अपने मोहब्बतों से अपने वोट से नवाजिए और आप इनको जिता के ऐवान में भेजिए। इंशाल्लाह आपके ये इलाके की जो बदहाली है, इलाके में जो गंदगी है, इलाके में जो जो सुख सुविधाएं नहीं है, खासतौर से शिक्षा की और स्वास्थ्य की, वो सब पूरी होंगी इंशाल्लाह। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर निगम को खिदमत करने का एक 60 साल का तजुर्बा है, उस तजुर्बे का इस इलाके को फायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह जीतने के बाद सबसे पहले इनकी एक हफ्ता ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में, उसके बाद जो इस इलाके की खिदमत करेंगे तो आप देखेंगे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। और क्या ओखला की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ओखला की जनता तो सही मायनों में जो ठगी गई है, जो उसने तकलीफें झेली हैं, चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे कोरोना की मार हो, चाहे वो हमारे जामिया के बच्चों पर दिल्ली पुलिस का जुल्म हो, या यूं कहें कि जितने भी जो मुजालिम हो सकते हैं सरकारों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बटला हाउस एनकाउंटर के थ्रू कांग्रेस की हो, या CA पोटा में नोटा में टाडा में मुस्लिम नौजवानों का बंद होना हो, इन तमाम जो तकलीफें इस इलाके ने झेली हैं, अब इन तमाम तकलीफों का बदला लेने का वक्त है। ये अब अपनी क्यादत को कायम करने का वक्त है, अब इन सोकाल सोकुलर पार्टीज को इनकी औकात बताने का वक्त है। तो हमें ये उम्मीद है कि इस मरतबा इस इलाके की आवाम अपनी क्यादत को कायम करने के लिए भरपूर समर्थन देगी, वोट से नवाजेगी और जो कौसर इमाम और लड्डन यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक जुझारू कैंडिडेट हैं यहाँ पर और जिनकी वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है, क्या कहेंगे कौसर इमाम सिद्दीकी की आप यहाँ, ये इम्तियाज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? दिल्ली प्रेजिडेंट हमारे साथ हैं और हमारे जो है सांसद साहब अभी तशरीफ लाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा काम का है, आज जो काम का मुद्दा है उसमें पिछड़ी हुई है। 15 साल का काउंसलर जो है उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, लोगों को अगर सवाल कर रहे हैं तो वो बच रहे हैं, वोट मांगने तो जरूर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनकी वाइफ जा रही है, लेकिन जवाब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वोट क्यों दें, किसके लिए दें, किस आधार पे आप मुझसे वोट मांग रहे हो, 15 साल में आपने क्या किया है? अब मैं आपको बता दूं, वार्ड हमारा कुछ इधर उधर हुआ है, नए वार्ड जो हमारे में 189 में जोड़ा गया है, वहाँ के जनता पूछ रही है कि आप जहाँ से पहले काउंसलर थे वहाँ के तो लोग आपसे खुद मतलब माइंड जो है उसका बिल्कुल बदला हुआ, उसका खुद नहीं दिख रहा कि भाई आप जहाँ से आए हैं वहाँ के लोग आपसे खुद ने आप हमसे किस आधार पे वोट मांग रहे हैं। इसलिए ये मौका है, ये मौका आजमाइश का है, ये मौका है लोग कह रहे हैं बदलने का, अब बिल्कुल लोग नहीं सहेंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी का, तो उसका जो नीति है दिल्ली में जो उसने दिखाया है, हमारे भक्तों जिस तरह मोदी के भक्तों, उस तरह मैं अपने भक्तों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे बड़े, हमारे माँ बाप भाई बहने हो, आप लोग सोचो समझो, सोच समझ के वोट करो। मेरा आपसे अपील है, आजमाइश की जाती है, हर आदमी का मौका दिया जाता है, कोई ये ना समझे कि ये मेरा नाम पे वोट नहीं, ये पार्टी के नाम पे वोट, आप काम के नाम पे वोट दो, आप दूसरे को मौका दो। हमारा जो पार्टी है वो अकेला हिंदुस्तान में अपने दम पे खड़ी है और जवाब दे रही है, पूरे पक्ष विपक्ष को जवाब दे रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि वार्ड 189 जाकिर नगर वाले
आप लोग प्लीज सोच समझ के वोट करना 4 तारीख को। यानी आपका कहने का मतलब है कि दौर बदल गया, ओखले का वार्ड बदल गया, 100 से 189 हो गया, जेंट से लेडीज सीट हो गई, तो आपका कहने का मतलब है कि कैंडिडेट भी बदलना चाहिए। बिल्कुल, जनता फैसला करेगी, वार्ड के लोग फैसला करेंगे, कोई ये कॉन्फिडेंस में ना रहे कि मैं इस पार्टी, देखिए यहाँ पे काम का वोट नहीं मांगा जा रहा, यहाँ पार्टी के नाम पे वोट मांगा जा रहा। तो मैं अपने जनता से, अपने माँ बहनों से, मैं फिर दोबारा करता हूँ अपने भाई बाप से, प्लीज प्लीज आप लोग काम का वोट दो। जो आने वाला 4 तारीख के है उसको ये देखो, 5 साल का पछतावा मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों और बहनों से, आप पतंग पे वोट दे के खुद को मजबूत हो, वार्ड को साफ सफाई के लिए आप अपना वोट करो और मुझे मजबूत करके एक आजमाइश करके देखो इंशाल्लाह ताला। मैं सिर्फ आपके थ्रू ये बात कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में एक साहब 15 साल से काउंसलर हैं और एक साहब 2 बार से MLA हैं, तो आखिर इस इलाके में जो गंदगी देखते हैं आप, जो पिछड़ापन देखते हैं, इसके वो जिम्मेदार हुए नहीं हुए? भाई जो लोग पहले से इख्तदार में हैं अब वो सरकार में भी हैं, पहले कांग्रेस थी और अब आम आदमी पार्टी है, तो आखिर इस इलाके की बदहाली का जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं। तो आप, मेरी जनता से ये अपील है कि आप इनके छलावे में मत आ जाना। एक जो हम गलत फहमी में रहते हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधि या आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि को हम अपना नेता समझ लेते हैं, उसी का खमियाजा हम ये भगत रहे हैं कि आज पूरी दिल्ली में ओखला बदनाम है, पिछड़ेपन के लिए, क्राइम के लिए और तमाम बुराइयों के लिए, और ये देन है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। तो अब वक्त आ गया है, अगर आपको अपनी तस्वीर बदलनी है तो आपको अपने खुद पे एतमाद जताना होगा, अपनी पार्टी पे, जो आपकी अपनी पार्टी है आपके लिए जवाबदेह है, आपके मसाइल को उठाती है। और जो एक आखिरी बात ये है कि आखिर जब भी कभी मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है तो हर मुसलमान नजर उठा के देखता है कि वैसी साहब क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे, प्रेस में क्या बोलेंगे। लेकिन जब चुनाव का नंबर आता है और जब MIM वोट मांगने जाती है तो उन्हीं को बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है, यानी चुनाव के टाइम पे उन्हें बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। और वो कौन बतवाते हैं? यही सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के जो नुमाइंदे होते हैं ये बरगलाते हैं। सच्चाई ये है कि वो मर्द मुजाहिद बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी बिना चुनाव के भी आपके मुद्दे उठाता है, और जब आप उसके नुमाइंदे को जिता के भेजोगे तब वो और ताकत से आपके मसले उठाएगा। इसलिए मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है इलाके के आवाम से कि आप लोग अपना कीमती वोट बटन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कौसर इमाम सिद्दीकी साहिबा की जो वाइफ है उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और अपनी क्यादत को दिल्ली में कायम करें और ऐवानों में अपने मसाइल, अपनी कॉलोनी के जो इश्यूज हैं उनका हल पाएं। ऐसी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। शुक्रिया। इधर मेरे साथ ये थे अभी हमारे साथ सारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपसे जो कायदे में अपनी बात रख रहे थे, उनके अभी यहाँ पर जो औरंगाबाद से जो अध्यक्ष हैं, जो MP हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो आ गए हैं। और मैं MP साहब हैं औरंगाबाद से, MP हैं जो यहाँ पर आए हैं, पहले या तो तुम भी भाई पीछे हो जा, पीछे वीडियो तो बनाने दो यार, भैया पीछे पीछे हटो भाई, ये दबा के लिखाओ फिर पीछे हटो, सही रास्ता आइए थोड़ा साइड आइए।